Let... माँ बाप का काम होता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत आप दें पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें ज्यादातर खुद, खुद, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो यूके में आए हैं पाकिस्तान से तो उनको एजुकेशन का जो है पता ही नहीं है कि कितनी important होती है एजुकेशन प्लस मेहनत का काम भी होता है एजुकेशन तो आई थिंक अन पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने आप को एजुकेट कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें ये मसले हल नहीं होने वाले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में कैसे रहते हैं यूरोप में या यूके वगैरह में दोस्ती है या वहां पर भी कुछ ना कुछ गजवा हिंद करने के सोचते रहते हैं नहीं आई थिंक यहाँ पर मैंने ऐसे कोई मेजर मसले नहीं देखे मेरे सारे दोस्त इंडियन हैं हिंदू हैं मेरे सारे दोस्त और यहाँ पर ओवरऑल लोग अच्छा रह, रहते हैं मगर इस से भी क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं जो जो हिंदू स्पेशली लोग हैं वो अग्रेसिव नहीं है वो सभी सभी को जैन दोस्तों आप का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की दो मशहूर महिलाओं को एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी और ये दोनों मिलकर बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर खुद पाकिस्तानी होकर ये पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई की तरह जैसे हमारा ध्यान नहीं है तो वो यूके में रहकर भी क्योंकि यूरोप में तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फ्री एजुकेशन है या काफी हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वो सपोर्ट करने के बावजूद भी मैंने कई कंट्रीज में देखा पाकिस्तानीज जो है वो इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते नहीं है वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कामों में ही है मैंने कभी भी पाकिस्तानियों में जनरली जब भी मैं जितनी भी दफा पाकिस्तान आई हूं मैंने कभी भी पाकिस्तानियों वो मो, वो माहौल मैंने देखा ही नहीं पढ़ाई लिखाई करने वाला आवारा गर्दी करने वाला मैंने माहौल देखा बस आप फंसा लें बाहर आ जाए किसी को वो कर लें कोई ध्यान ही नहीं है लड़कियों को ये देखा जाता है खूबसूरत है कि नहीं आदमियों में ये देखा जाता है पैसा है कि नहीं भले पैसा इलीगल तरीके से कमाया होगा कोई बात नहीं बंगला मिल जाएगा गाड़ी मिल जाएगी यानी वो कोई मोरालिटी नहीं है और इवन यूके में भी माँ बाप का काम होता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत आप दें पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें मगर उनको खुद क्लूलस हैं वो माँ बाप उनको खुद समझ नहीं क्योंकि ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो यूके में आए हैं पाकिस्तान से तो उनको ए, एजुकेशन का जो है पता ही नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन प्लस मेहनत का काम भी होता है एजुकेशन तो आई थिंक अनलेस पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने आप को एजुकेट कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें ये मसले हल नहीं होने वाले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में कैसे रहते हैं यूरोप में या यूके वगैरह में दोस्ती है या वहां पर भी कुछ ना कुछ गजवा हिंद करने के सोचते रहते हैं नहीं आई थिंक यहाँ पर मैंने ऐसे कोई मेजर मसले नहीं देखे मेरे सारे दोस्त हैं इंडियन हैं हिंदू हैं मेरे सारे दोस्त और यहाँ पर ओवरऑल लोग अच्छा रह, कर, रहते हैं मगर इस वजह से भी क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं जो हिंदू स्पेशली जो लोग हैं वो अग्रेसिव नहीं है वो इन चीजों से दूर रहते हैं वो पढ़े लिखे हैं ज्यादातर अच्छे इलाकों में रहते हैं गोरों के इलाकों में इंडिया के लोग रहते हैं ज्यादातर जो है हिंदू जो है मगर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उन लोगों ने उन लोगों ने अपने इलाके बनाए हुए हैं तो जब दूर से कोई देखता है अंग्रेज अजीब लगता है ना कि सब लोग घुल मिल के रह रहे हैं एक ये लोग हैं इन्होंने अपने पूरी सड़कें बनाई हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग दुकानें पूरी बनाई हुई पूरा एक मुल्क बनाया हुआ हमारे मुल्क के अंदर तो उनको वो खटकने लगाया तो जो हिंदू लोग हैं ओके क्योंकि जॉब्स अच्छी हैं और जो यहाँ पर अच्छे इलाके हैं यूके में जो बड़े बड़े घर हैं अच्छे इलाके वहां पर ज्यादातर गोरे ही रहते हैं तो वो वो घोरों के साथ हैं तो घोरों को उनसे कोई मसला नहीं है तो बस ये काफी चीजें मगर हाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसा कोई या नहीं है तो ये अपने एरियाज बना सकते हैं यूके में भी कि ये पाकिस्तानी एरिया है और ये शॉप्स इनकी है या ये घर सिर्फ इनके इतना मतलब होल्ड है पाकिस्तानियों का कि ऐसे कर रहे हैं ये आई थिंक ये जानपूझ के नहीं करा गया है ये खुद ही हुआ है कि एक पाकिस्तानी आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया कर करके फिर पूरी सड़क ऐसे फिर गोरे भी भागने लगे कि भाई काफ़ी पाकिस्तानी हो गए तो वो भागने तो गोरे भागने लगे अंग्रेज अब उन इलाकों से और पाकिस्तानी आने लगे क्योंकि उन प्रॉपर्टीज की प्राइसिस भी कम होती हैं इलाके वो इतने अच्छे नहीं होते तो प्रॉपर्टी की प्राइस कम होती तो पाकिस्तानी लेते हैं जल्दी जल्दी फिर वो तो फिर वो इलाके बन चुके हैं ग्रेजुअली हुई वो इलाके ऐसे बन चुके हैं बिकॉज uh, मेरी मदर की एक कजन रहती है यूके में और वो बैरिस्टर है तो वो बता रही थी कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी पहुंचते हैं खासतौर पर पाकिस्तानी तो जाते ही सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से घर खरीद लें। चाहे वो रेडलाइट एरिया में ही क्यों ना हो कि बस उनको जो है घर मिल जाए क्या वाकई में इतना क्रेज है पाकिस्तानियों के अंदर कि वो यूके में जाते ही कहते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी ले लें डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वैसे पैसे होने चाहिए उसके लिए और काफी महंगे हैं यहाँ पर घर यहाँ पर जो होता है जो माइ जो आते हैं और अगर आप बेनिफिट सिस्टम पे रह रहे हैं यहाँ पर तो अबसे आप गवर्नमेंट से घर मांगने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट आपका घर के पैसे भी दे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट के पैसे भी दे तो डिपेंड करता है किस टाइप का पाकिस्तानी आ रहा है स्किल्ड वर्कर आ रहा है या अनस्किल्ड वर्कर आ रहा है आप शादी करके आ रहे हैं या आप असाइलम सीख करके आ रहे हैं तो तरीके से भी डिपेंड करता है आई थिंक देखें किसी को माइंड नहीं कि कोई घर खरीदे या गाड़ी खरीदे मगर हलाल तरीके से कमाया जाए हुँ. ना कि इलीगल एक्टिविटीज करके क्योंकि जैसे मैंने बोला फिर मजहब भी बदनाम हो रहा है खम में लोग भी बदनाम हो रहे हैं हालांकि अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अच्छे भी होते हैं मगर लोगों हुँ. को पता ही नहीं है वो बोलते हमें हमें तो कोई मिला नहीं हम तो न्यूज़ देखते हैं हम तो न्यूज़ देख डर जाते हैं कि तुम लोग सब शायद सभी ऐसे हो गए इसलिए जो ज्यादातर जो अंग्रेज हैं जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं वो खुश होते हैं उल्टा कि हम हमें लग रहा था तुम्हारे प्रोग्राम देखने से पहले कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं मगर तुम्हारे वजह से सिर्फ तुम्हारे वजह से अब मैं कभी किसी पाकिस्तानी को बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि नहीं हो सकता ये अच्छा हो लुभना के तरह तो मेरी कोशिश है कि लोगों को जोड़ना लोगों को मिलाना Uh, कुछ लोग ऑफ कोर्स मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में हालांकि मैं तो अच्छा काम करना चाह रही हूँ तो ये पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा कि अगर आप कोई पाकिस्तानियों को लगता है अगर आप कोई चीज जो बुरी है वो छुपा के रखेंगे तो लोग बेवकूफ है उनको पता ही नहीं है कि बुरी चीज हो रही है सबको पता है क्या हो रहा है अगर आप छुपा के रखेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि शायद आप इस चीज से खुश हैं जो बुरी चीज है तो छुपा के नहीं रखें जो बुरे लोग हैं उनको प्लीज बो, बोल मना करें जो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं लोग जो यूके में रह रहे हैं या कहीं और पे रह रहे हैं उनको मना करना चाहिए दूसरे को सुधारना चाहिए अब चुप नहीं बैठे रहे क्योंकि ये पानी बहुत सर से ऊपर जा चुका है अंग्रेजों का नहीं बिल्कुल देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है वो अच्छे भी होंगे और बल्कि ज्यादा तादाद अच्छी लोगों की होगी ज्यादा नंबर में अच्छे ही होंगे ये कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो है नाम खराब कर रखा है या जिनको लोग देख रहे हैं और उनसे ये इंप्रेशन ले रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी जैसे होते हैं यूरोप में एक ये भी देखा गया इशू है हिजाब का लेकर जो पाकिस्तानी जाते हैं या इवन कहीं से भी मुस्लिम हिजाब पहनना है वहां से कहा जाता है की जी आप नहीं पहन सकते आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पहन सकते क्या इस किस्म का इशू भी रहता है यूके में यूके में अभी कोई लोअर लोअर क्या बोलते हैं लोक क्या बोलते हैं उर्दू में यानी इलीगल नहीं है यूके में कि आप आ, हिजाब पहने ऐसे की चीज आई थिंक फ्रांस में रूल्स कुछ निकाले गए हैं मगर फिर भी हिजाब स्पेशली बुरखा निकाब पहना कि शक्ल ना नजर आए गोरे माइंड करते हैं क्योंकि अंग्रेज ये बोलते हैं कि आप क्यों अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती कि आप हमसे बात नहीं करना चाहती हैं और उनका जीपसा थोड़ा सा लगता है वो आदि नहीं है ना उनको ये लगता है कि शायद आदमी और अगर ऐसे रहना है तो फिर तो इनको सऊदी अरब या इस तरह की कंट्री में जाना चाहिए यही बोलते हैं कि भाई अगर आपको इतना बुरा लग रहा है रहे हैं। और उनको ये लगता है कि शायद औरत ने अपना मुंह ढका हुआ निकाब पहना हुआ है तो शायद आदमियों ने फोर्स करा होगा अच्छा तो ये अपने औरतों को ऐसे रखते हैं फोर्स करके रखते हैं कि शक्ल भी नहीं दिखा सकती औरत और हम तो अपनी औरतों को कुछ हम तो अपनी औरतों को कुछ भी अलाव करते हैं पहनना और कोई हाथ लगा के तो दिखाए तो यहाँ यहाँ पर क्या बोला जाता है कि औरत कुछ भी करे कुछ भी पहने किसी की हिम्मत नहीं वो हाथ उठाए हाथ लगाए उसको मगर ये जो लोग हैं अपनी औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं अपनी औरतों को बोलते हैं कि तुम लोगों को अपने आप को ढकना है और अगर तुम नहीं ढकोगे तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे साथ ये होगा तो ये सोच में अलग सोच है ना अलग सोच है बिल्कुल और ये ये सोच होनी भी चाहिए मैंने देखा है कि मतलब चाहे आप यूरोप में जाएं या गल्फ कंट्रीज में इवन दुबई अगर कोई भी ड्रेस पहने कोई मुड़कर भी नहीं देखता कोई नोटिस ही नहीं करता कि आपने स्कर्ट पहना है आपने शॉर्ट्स पहने कुछ भी किया है हमारे यहाँ तो एकदम ही अगर कोई जींस पहन के भी निकल जाए तो तो ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं पता नहीं क्या हो गया ये तो ये 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 सोच जो है आपके ख्याल से लास्ट में पूछना चाहूंगी एजुकेशन की कमी है या आपको लगता है कि माहौल ही ऐसा है हमारी सोसाइटी इस तरह की है मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की अपनी कोई पहचान नहीं है कि पाकिस्तान ना तो मुस्लिम मुल्क लगता है मुझे यानी अजीब सा ना मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान और मगर मुस्लिम बनने की नाकाम कोशिश करी जा रही है कोई लीडरशिप नहीं है एंड वो काफ़ी चीज़ें इंडिया से इन्फ्लुएंस हुई है ऑब्वियसली इंडिया का हिस्सा होता था मगर अपनी कोई पहचान पाकिस्तान ने बनाई नहीं है तो आई फील की तरबियत में बहुत बड़ा ये मैं बोलूंगी कि तरबियत बच्चों को अच्छी दी नहीं जा रही सोच अच्छी नहीं है एंड आई थिंक एजुकेशन में हेल्प होगी मगर आई थिंक मुझे नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वो माहौल कभी बन सकता है पढ़ाई लिखाई वाला क्योंकि ये शुरू से होना चाहिए बिल्कुल और जितना मैंने देखा है जितनी सोसाइटी को आप दबाते हैं जितना ज्यादा कंजर्वेटिव बनाते हैं उतना ही लोग बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं ये भी शायद एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पे मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगते बाकी कंट्रीज के मुकाबले में हमारे लोग कुछ अजीब से इसी वजह से है कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हम बनाने की कोशिश करते हैं मगर हम बन नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल है अब वो जमाना नहीं रहा कि हम किसी को भी जबरदस्ती अपनी मर्जी से हिजाब पहना दें या कहे कि जी चकल छुपा के चलो ऐसा नहीं होना जी अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ पाकिस्तान के अंदर मैंने इतने लोगों को हिजाब और ये सब पहनते हुए देखा नहीं मगर अगर आप यूके आएंगी तो काफी लोगों ने पाकिस्तानियों ने पहने हुए तो अंग्रेज ये भी बोलते हैं कि अपने मुल्क में तो पहनते नहीं यहाँ पर आके ऐसा क्या है कि यहाँ पर कि जहाँ पूछ के हमें कर रहे हैं ऐसे तंग करना चाह रहे हैं जहाँ पूछ के हमें तो मुझे नहीं पता यूके में सब आते हैं हिजाब पहन लेते हैं पाकिस्तान जाते हैं उतार लेते हैं मुझे तो कन्फ्यूज लग रहा है पाकिस्तानी लोग बहुत कंफ्यूज है भाई आप अपना फैसला कर रहे हैं आप चाहते क्या है अच्छा मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं पहनते और जब वो कनाडा या यूके या अमेरिका इवन यूरोपियन कंट्रीज किसी में भी चले जाए तो उन्होंने ही पहना होता है बल्कि एक मेरी कजन आई तो मैंने कहा क्या वायडेंड्रफ हो गई है क्या कहती नहीं मैंने कहा फिर क्यों पेटा हुआ है तो वो मुझसे नाराज हो गए कि मैंने क्या सवाल किया तो ये भी है एक अजीब सी बात वाकई आप ठीक कह रही है कि यहाँ पे नहीं पहनते लेकिन वहां पहनते हैं वहां क्यों पहनते हैं आई डोंट नो लेकिन ये कि जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन है So अच्छा होगा हम so और हमेशा की तरह आरजू का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा इन दोनों महिलाओं ने मिलकर खुद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जमकर एक्सपोज किया तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत